हेलो दोस्तों, वेलकम बैक और एक नए वीडियो के साथ मैं वापस आ चुका हूँ। दोस्तों आज की जो ये वीडियो है, ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग एक वीडियो होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि लॉजिक गेट क्या होता है और लॉजिक गेट का जो ट्रूथ टेबल है वो क्या होता है। फुल एक्सप्लेन आपको इस वीडियो में मिल जाएगा लॉजिक गेट का। और दोस्तों स्पेशली और गेट के बारे में मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में, तो और गेट का ट्रूथ टेबल सर्किट क्या होता है फुल डिटेल्स आपको मिल जाएगा इस वीडियो में। वीडियो को एंड तक बने रहना, वीडियो को स्किप मत करना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना दोस्तों, और मेरे पेज को भी एक फॉलो कर देना। अगर इस वीडियो को आप YouTube से देख रहे हो तो वहां पर भी एक सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों लॉजिक गेट क्या होता है, व्हाट इज लॉजिक गेट? लॉजिक गेट है एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, जो जिस सर्किट पे हम एक या एक से भी ज़्यादा हम इनपुट दे सकते हैं, लेकिन उसका जो आउटपुट होगा, आउटपुट हमको एक ही मिलेगा। और एक चीज़ याद रखना, डायोड और ट्रांजिस्टर जो है उसमें हम लॉजिक गेट का इस्तेमाल या कह सकते हो उसमें भी लॉजिक गेट होता है दोस्तों, ठीक है। और एक चीज़ याद रखना, डिजिटल सिग्नल जो है लॉजिक गेट से हम पास कर सकते हैं। अगर डिजिटल सिग्नल को हमको बंद करना होगा तो उसमें भी लॉजिक गेट का हम यूज़ करते हैं। अभी जानेंगे कि लॉजिक गेट का टाइप, मतलब कि लॉजिक गेट कितने प्रकार का होता है। और गेट, एंड गेट एंड नॉट गेट, ये तीन प्रकार का लॉजिक गेट होता है। और भी है जो है कि नैंड गेट, एक्स और गेट, एक्स नॉर गेट एंड नॉर गेट, ये भी होता है दोस्तों। जो एंड गेट, और गेट एंड नॉट गेट है, ये होता है लॉजिक गेट। एक्स नॉर गेट और नॉर गेट जो है ये होता है हमारा यूनिवर्सल गेट, क्योंकि दोस्तों ये जो गेट है, ये गेट दोनों और लॉजिक गेट से बनाया जाता है, ठीक है। तो इसलिए इसको हम यूनिवर्सल गेट भी कह सकते हैं। और दोस्तों आज का जो टॉपिक है और गेट, तो और गेट के बारे में भी जानेंगे आज। अभी जानेंगे हम और गेट के बारे में, और गेट क्या होता है, उसका ट्रूथ टेबल क्या है, और उसका सर्किट जो है, सर्किट कैसा दिखता है, और गेट कैसे काम करता है। तो दोस्तों और गेट क्या है, और गेट होता है कि दो इनपुट या दो से भी ज़्यादा इनपुट हो सकता है दोस्तों। अगर दो से ज़्यादा इनपुट हुआ, अगर किसी भी इनपुट पे अगर उसका इनपुट वोल्टेज हाई हुआ, तो एक चीज़ याद रखना, उसका जो आउटपुट होगा, आउटपुट भी हमको हाई मिलेगा। हाई का मतलब है वन, वोल्टेज हमारा वन है, तो आउटपुट वोल्टेज भी हमारा वन होगा, मतलब कि हाई होगा, ठीक है दोस्तों। तो अगर किसी भी अगर इनपुट पे मैंने जीरो दिया और एक इनपुट पे मैंने वन दिया, तो हमारा आउटपुट भी वन आएगा, मतलब कि हाई आएगा। अगर दोनों इनपुट पे मेरा जीरो जीरो वोल्टेज आया, मतलब कि लो वोल्टेज आया, तो मेरा आउटपुट भी लो आएगा। अरे कहना क्या चाहते हो? और उसका ट्रूथ टेबल क्या है, सर्किट कैसा दिखता है, तो उसको देखने के लिए अभी चलते हैं हमारा मोबाइल स्क्रीन पे। अच्छा ठीक है। जैसे कि दोस्तों आप इस फोटो पे देख ही सकते हो और गेट कैसा दिखता है, और उसका ट्रूथ टेबल जो है, ट्रूथ टेबल क्या होता है, और उसका जो सर्किट डायग्राम है, मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो होता है और गेट का, वो कैसा दिखता है। हम यहाँ पर देख ही सकते हैं कि और गेट का जो इनपुट है ए और बी, दोनों इनपुट, और आउटपुट जो है वाई, एक ही आउटपुट है। और आज की वीडियो पर और गेट का दो इनपुट पर ही आउटपुट निकालना सिखाएंगे। और यहाँ पर देख सकते हो कि और गेट का जो ए और बी इनपुट है और वाई जो आउटपुट है, जैसे कि नीचे आ जाते हैं सर्किट पे ए बी और वाई, जैसे कि यहाँ पर वाई आउटपुट पे हमारा एलईडी लगा हुआ है। जैसे कि मान लो दोस्तों, अगर ए और बी दोनों इनपुट में, अगर किसी भी एक इनपुट पे अगर वोल्टेज हाई आ गया, मतलब कि वन, तो हमारा आउटपुट जो है वाई, तो वहाँ पर भी वोल्टेज हमारा हाई निकलेगा, मतलब कि वन निकलेगा। जैसे कि आप इस फोटो में भी देख सकते हो, हमारा और गेट का जो ए इनपुट है और बी इनपुट है, मैंने ए इनपुट और बी इनपुट पे लो वोल्टेज डाला है, और हमारा जो वाई है आउटपुट, तो वहाँ पर भी हमारा जीरो, मतलब कि लो वोल्टेज ही आया है। और नीचे उसका जो ट्रूथ टेबल है दोस्तों, ए बी और वाई, देख ही सकते हो, ए इनपुट पे मैंने जीरो डाला है, बी इनपुट पे भी मैंने जीरो डाला है, और वाई पे भी मेरा जीरो ही आया है, मतलब आउटपुट पे भी मेरा जीरो ही आया है। जैसे कि नीचे आप लोग सर्किट पे देख सकते हो कि सर्किट का जो ए इनपुट है, इनपुट पे भी मेरा जीरो है, बी इनपुट पे भी मेरा जीरो है, और यहाँ पर लाइट ऑन नहीं हो रहा है, मतलब कि वोल्टेज भी लो है। तो हमारा जो ए कन ए इनपुट पे क्या है, इनपुट पे जीरो क्यों है, क्योंकि हमारा जो बैटरी का तार और हमारा जो लाइट का तार है, तो एक साथ वो तार जुड़ा नहीं है। बी का भी सेम है, जुड़ा नहीं है, तो हमारा यहाँ पर जो एलईडी है नहीं जलेगा। तो अभी नेक्स्ट फोटो पे देखते हैं, अगर बी इनपुट पे हमारा अगर वन आ गया, मतलब कि हाई वोल्टेज आ गया, तो हमारा लाइट जलता है या नहीं जलता है।
जैसे कि दोस्तों इस वाले फोटो पे आप देख ही सकते हो जो हमारा लॉजिक गेट है और गेट, तो उस वाले में क्या है, ए इनपुट में हमारा 0 है लेकिन बी इनपुट में हमारा 1 है और वाई इनपुट पे भी हमारा 1 ही आया है। उसका ट्रूथ टेबल भी देख ही सकते हो अभी। और सर्किट पे चलते सर्किट भी देख सकते हो, ए इनपुट जो है, ए इनपुट का जो बैटरी का तार और लाइट का तार है वो एक साथ जुड़ा नहीं है, लेकिन बी इनपुट में मैंने 1 दिया है, मतलब कि बैटरी का तार और लाइट का तार एक साथ जुड़ा हुआ है। इसलिए दोस्तों मेरा वोल्टेज जो आउट इनपुट का जो वोल्टेज है वो भी हाई है, मतलब हमारा लाइट अभी जल रहा है। ऐसे ही दोस्तों अगर ए इनपुट पे 1 देते हो और बी इनपुट पे 0 देते हो तो भी लाइट जलेगा, ए इनपुट पे अगर 1 देते हो बी इनपुट पे अगर 1 देते हो तो भी लाइट जलेगा। दोस्तों ठीक है, अभी चलते हैं सर्किट पे, तो सर्किट कैसे काम करता है देखेंगे अभी। दोस्तों आप देख ही रहे हो कि मेरे सामने जो है ये और गेट का एक सर्किट है, और जो आप यहाँ पर देख रहे हो यहाँ पर एक बैटरी मेरा कनेक्ट है, ठीक है। ये वाला जो है, ये वाला है पॉजिटिव, पॉजिटिव वाला है, और ये वाला है मेरा नेगेटिव वाला है, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हो जहाँ पर मेरा ए और बी दोनों इनपुट भी है, जहाँ पर ये ए और बी दोनों मेरा इनपुट भी है, और मेरा जो वाई है ये मेरा आउटपुट है। आउटपुट पर मेरा जो है एक LED लगा हुआ है, और यहाँ पर जो है ए और भी, जैसे कि देख सकते हो दोस्तों मेरा जो नेगेटिव वाला पॉइंट है, नेगेटिव वाला पॉइंट डायरेक्ट LED पे है, और पॉजिटिव वाला पॉइंट एक स्विच के कनेक्शन पे यहाँ पर लगा हुआ है। अभी मैंने क्या कहा था दोस्तों कि उसका ट्रूथ टेबल याद है आपको, मैंने कहा था कि अगर A पे मेरा 0 है और B पे मेरा हाई वोल्टेज मतलब कि 1-2 तो क्या होता है। देखो दोस्तों अगर मेरा A पे 0 मतलब कि ये वाला जो तार है मैं यहाँ पर कनेक्ट नहीं करूँगा, अगर बी पे मेरा 1 है तो 1 का मतलब है ये वाला तार मेरा यहाँ पर कनेक्ट होगा। देखो जैसे ही कनेक्ट हुआ मेरा मेरा LED जो है LED जल चुका है अभी, देख पा रहे हो दोस्तों मेरा LED जो है अभी जल रहा है, मतलब कि मेरा A पे 0 है और B पे मेरा 1 है, मतलब कि आउटपुट जो है मेरा आउटपुट अभी हो रहा है, 1 आ रहा है आउटपुट पे। अभी क्या है दोस्तों अगर मैं B पे 0 दूँ, ठीक है, बी इनपुट पे मैं अगर 0 और ए आउटपुट में मैं अगर 1 ऐसे इनपुट करूँ तो क्या होता है, देखो तो भी जो है मेरा दोस्तों ये मेरा LED जो है तब भी जलेगा। एक मिनट, मेरा अभी ए पे कनेक्ट है और देखो दोस्तों मेरा जो LED है मतलब आउटपुट है, आउटपुट अभी हाई वोल्टेज आ रहा है। अभी क्या है दोस्तों और एक बात है, अगर ए पे भी मैंने और बी पे भी मैंने एक और एक वोल्टेज दिया तो वाई पे क्या आएगा, ठीक है, वाई पे क्या आएगा देखते हैं। ए पे तो मेरा एक वोल्टेज है अभी, तो बी पे भी मैं हाई वोल्टेज अभी दूंगा, देखो फिर भी मेरा LED जल रहा है, मतलब कि वाई पे भी मेरा एक ही आएगा, ठीक है दोस्तों। ये है एक और गेट, इसका जो सर्किट है ऐसा बनता है और गेट का सर्किट, ठीक है दोस्तों। अभी मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा एंड गेट भी समझाऊंगा और नॉट गेट भी समझाऊंगा, और उसके बाद यूनिवर्सल गेट भी मैं आपको समझाऊंगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगे वीडियो को एक लाइक शेयर और कॉमेंट ज़रूर करना, और अगर आप लोग जिस प्लेटफॉर्म से मुझे देख रहे हो वहाँ पर मुझे सपोर्ट करना। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।